के अंदर सबसे पहले नॉक कौन होता है? ये आज है 19 फरवरी एंड आज हम लोग मूव आउट कर रहे हैं आईकुलैन के लिए उनके होटल में। तो अभी उन्होंने बोला कि एक दिन मतलब 20 या 21 से उनका भी फोटोशूट और ड्राई रन वो सब स्टार्ट होना है, तो एक दिन के लिए आप अपने स्टेज पे वापस जाओ फिर वापस आओ, तो वो मतलब नहीं बनता। तो हमें वो आज हमारा ESL का चेकआउट है मतलब नॉर्डविन के इवेंट्स के लिए, अब हम वो अपने होटल में हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। आई थिंक वेन्यू सेम रहेगा लेकिन होटल अलग अलग है। ये वाला होटल छोड़ा भी होटल का ऐसे बहुत लोगों को पता ही ऑलरेडी, बट दो दिन से मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा बिजी था मैं भी टीम के साथ, एंड यू नो थोड़ा सा वो मोमेंटम होता है यार व्लॉग बनाने का, थोड़ा एनर्जी रहती है, थोड़ा खुशी रहती है, वो थोड़ा खुशी नहीं थी क्योंकि आपको पता है परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं आ पाया, उसके बहुत सारे रीजंस है। अब हर चीज बता के मतलब क्योंकि देखो रीजंस एक्सप्लेन करना एक्सक्यूज हो जाता है लोगों के लिए, बट वही है कि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे हुई है जिसकी वजह से इतना परफॉर्मेंस डाउन गया है। मैं पूरा टाइम लैन में डे टू और डे थ्री ऐसा मुँह लटका के घूम रहा था क्योंकि यार मुझे भी यही था कि परफॉर्मेंस और अच्छी आए और अच्छी आए और अच्छी आए, प्लेयर्स को भी चाहिए था आए, वो लोग भी मेहनत कर रहे थे, हमने भी मेहनत करी है, मतलब सभी मेहनत करी है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हुई है, बहुत ज़्यादा चोक हुआ है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में आपको दिमाग नहीं आया, बट उसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते कि चलो यार ये लाइन खराब हो गया पूरा मोमेंटम ही खराब कर लेते हैं, सब छोड़ देते हैं और आई को लाइन भी बर्बाद कर लेते। नहीं, अभी एक और लैंड है, बहुत बड़ी बात होती है एक लैंड टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना है, वहाँ पे जाके स्टेज पे बैठ के खेलना। बहुत सारी टीम्स ने कमेंडेबल खेला है जैसे कि एंटिटी हो गई, तो वही है अभी हमारा मेन फोकस है, आज से फुल ग्राइंड करना है, मेहनत करना है फॉर आई को लैंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से यहाँ से मूव आउट कर जाते हैं, उस होटल में जाते हैं, फ्रेशअप होते हैं और फिर वापस ग्राइंड में लग जाते हैं, क्योंकि यार एक लाइन खराब होने की वजह से बाकी दूसरे लाइन को हम खराब नहीं कर सकते। तो यस गाइस, मैं दो दिन व्लॉग नहीं बना पाया, आई नो आप लोग बहुत लोग वेट कर रहे थे व्लॉग का, बहुत लोग गुस्सा भी थे यार मुझे भी, मैं भी एज मतलब मैं भी हाइड्रा के लिए अच्छा चाहता हूँ गाइस, मैं भी स्ट्रीम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पूरे टाइम लगा हुआ हूँ इधर आके बस व्लॉग्स बना रहा हूँ, और ताकि आप लोग भी देख पाओगे क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स विद हाइड्रा, उनको भी पूरा टाइम मैं पुश करते रहता हूँ खेलने के लिए, वो खुद भी खेलते रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट यही है बहुत अभी स्ट्रेटजीज एंड बहुत सारी चीजों में दिक्कत है जो कि ठीक करने की जरूरत है, वो ठीक कर लेंगे। गन पावर गन गेम की दिक्कत नहीं है उतनी, मेन दिक्कत है स्ट्रेटजी और सिनर्जी की जो कि इवन में जो इन टूर्नामेंट्स में जरूरी होती है। एक बार आप व्यू भी देख लो यार, सुबह मैंने देखा नहीं यार, बड़ा मस्त है यार। और तो और गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता था कि मेरा आई टेस्ट हुआ है कल, मैं लैन में बैठ के देख रहा था और मुझे सब ब्लर दिख रहा था, फोन और गेम्स खेलते खेलते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखें इतनी कब खराब हो गई है कि मेरे को लॉन्ग विजन में दिक्कत आ रही है। तो मैंने कल के कल क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि अगर आप पावर नहीं लगाओगे तो और बढ़ता चला जाएगा, अभी बहुत स्लाइट पावर है मेरा 1 और राइट वाले में 0.25 है। तो सुबह मैंने टेस्ट करवाया कल एंड आज मेरे ग्लासेस आने हैं यार, बट मैं चंपू नहीं लगूंगा क्योंकि मैं पहले भी ग्लासेस लगाता था तो अच्छे लगेंगे मेरे पे। देख सकते हो गाइस पैक कर लिया है मैंने सब, ये मेरा एक बैग, वो मेरा 2 बैग और एक डोरा लेकर गया है, भाई मेरा हाथ दर्द हो गया ये पकड़े पकड़े बोलते बोलते। तो यस अभी हम लोग मूव आउट करते हैं फटाफट से, चलते हैं, उनको भी थोड़ा चीयर अप करना पड़ेगा क्योंकि सैड होने से कुछ नहीं होगा, बट यस अपने डाउनफॉल को ग्रोथ में यूज करना है। बट उसके लिए भी सॉरी कि मैं गाइस व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यार थोड़ा समझ रहे हो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है आप लोगों को देखना था क्या चल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, यार ठीक है गलतियां हुई है, बहुत सारी गलतियां हुई है इसलिए ऐसा हुआ है, बट कोशिश करेंगे कि आई को लैन में वो सारी मिस्टेक्स ना करें क्योंकि मैं भी चाहता हूँ एज अ हाइड्रा फैमिली और आप भी एज अ हाइड्रा फैन की हाइड्रा को ऊपर देखना है, हम सब उसके लिए मेहनत करेंगे। सो अभी के लिए चलते हैं फटाफट से, ठीक ही है सारी टीम जो ESL और आईको दोनों में थी वो दोनों डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है वो सारी टीम, बाकी उसका फ्लाइट देखेंगे सर वो मिलते। अरे उसको अंदर डालना है गुलिया, वो ऊपर हाँ खुल गया, रूम नहीं खुल रहा भाई, पहले आप अपना देखती है अगर में आ जाएंगे। अरे वो देख रहे थे कि तीन बेड लगी है, भाई अपना अलग रूम करना पड़ेगा। अबे तो इन्होंने क्वीन बेड कहाँ दिया है, ठीक ही है नॉर्मली रूम है, क्या हुआ गंदा है? अरे तुम इंस्पेक्शन करने आए थे क्या? अरे उसने पर देखा तेरे पॉकेट में क्या, तुम जोड़ लो ना तुम दोनों बेड। हाँ जोड़ ही लेंगे, वैसे बीच में कुछ है भी नहीं, जुड़ जाएगा, सेम ही स्पेस है यार दोनों में, ये है इतना कुछ। टीवी तो है, से मेरे लेंसेज आ गए फाइनली, अब मैं भी चश्मे बन जाऊंगा तो ठीक है, वैसा वाला चश्मे नहीं यार, बस जब कुछ देखना वेखना होगा स्क्रीन पे तभी, वैसे ग्लासेस अच्छे हैं देखते मेरे पे शूट करते हैं नहीं, बट ठीक है इसको अनबॉक्स करते देखते कैसे बोलना वो देखने तो दे कैसा दिख रहा है मेरे पे, दोनों एक साथ खोल रहे हैं।
दिखा पहन के, पहन के दिखा डोरा। अबे अच्छा लग रहा है भाई, पड़ाकू है क्या भाई इस पर? एक है मतलब 0.25 है पावर है, नहीं क्लोज में तो नहीं है वो, लॉन्ग का है। अच्छा दिख रहा है क्लोज में, और मेरे को गंदा दिख रहा है बता, ये लगा के थोड़ा बुढ़े को जवान बना दो। अट्ठाईस मैं इसका कोच हूँ जिम में, डोरा का भी कोच हूँ, बन जाएगा डोरा का भी बॉडी कुछ देर में। भाई कैसे खुद ही बोल रहा हूँ बहुत खाता हूँ, कहाँ जाता है फिर, कहाँ जाता है फिर, जा पूछ क्या निकल जाता है। स्पर्स को भी नहीं लगता खाना यार बेचारा, स्पर्स के बस गाल में लड्डू आ गए मेरी तरह, गाल में लड्डू है मेरी तरह। रात को, अरे भाई टंगड़ी, रात के 1 बज रहे गाइस और आज है 20 फरवरी मतलब 19 की रात है, तो लेट नाइट ये शूट कर कंप्लीट करवा रहे हैं, जो टीम्स ऑलरेडी ESL से यहाँ पे शिफ्ट हुए तो अच्छी बात है, मतलब फटाफट शूट करके कंप्लीट करके खत्म कर लेंगे एंड कल फिर आराम से प्रैक्टिस। 1 घंटा और लगेगा। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि आपका जो कंपटीशन था आईकू प्रो सीरीज का, ठीक है 10 मिनट और जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल वो कैसा लगा, तो आप बता सकते हो कि आपको जो कंपटीशन वो भी जो हुआ था ना फाइनल जो, तो उसमें आप बता दो कि टच और कंपटीशन था, टीम अच्छा खेल रही है, वी आर आल्सो ट्राइंग अ लेवल बेस्ट एंड होपफुली वी विल बी गिविंग अ गुड कंपटीशन इन द फाइनल लैंड। सो स्टार बॉय अभी आईकू इंडिया लीग का जो क्वालीफायर था आईकू प्रो सीरीज, उसका एक्सपीरियंस एंड कंपटीशन जरा शेयर करें हमारे साथ। एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा और कंपटीशन काफी हाई था, थोड़ा एग्रेसिव जो था, बहुत काम लग रहा है, समझ रहे बहुत काम था, थोड़ा एग्रेशन था। बताओ क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट लाइन में बोल दो। नहीं नहीं आंसर आपकी तरफ से ही चाहिए, थोड़ा गाइड कर दो, थोड़ा गाइड कर दो। तो जैसे भी आपने ये वाला प्रो सीरीज खेला, तो आपको बताना है कि कंपटीशन आपको कैसा लगा, मतलब जो बाकी की टीम से बहुत सीरियसली खेले थे, इट वाज अ गुड कंपटीशन ओवरऑल राइट, यू हैड अ लाइक गुड कंपटीशन और जो चैलेंज था इट वाज अ वेरी गुड चैलेंज फॉर यू। कोई सीन नहीं, खुल के बोलो आप, कोई जो दिल में आ रहा है वो बोलता ही वैसे है। चलो कि सामने कैमरा नहीं है, आप इन जनरल बता रहे हो, इन जनरल भी ऐसे ही बोलता है वो। अच्छा इन जनरल बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई। तो मैं जानना चाहूंगा एक्सपीरियंस ऑफ कंपटीशन कैसा था पूरे टूर्नामेंट में। एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा और कंपटीशन काफी हाई था, और अभी काफी प्लान वगैरह किया है कैसे जीतना है ट्रॉफी वगैरह, तो उसके लिए अभी हम लोग रेडी। जरूरी रहता है क्योंकि गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प होता है, आपका क्या मानना है इसमें? फिट रहना उतना ही जरूरी है क्योंकि अगर मान लो लाइक वर्कआउट वगैरह करेंगे तो फिर माइंड एकदम काम रहता है। हाथ में पकड़ रहा है, सबसे बदमाश कौन है, ऐसे उंगली दिखा देनी है बस। चले अभी ये वाला कैमरा ज्यादा अच्छा है, एक बार फोन कहाँ गया, ये लगा लो स्प्रे। अरे यार रुक जाओ यार, लगा ले फोन पकड़। माइक कॉलर पे लगा दिया भाई, हम भी तो हैं भाई ऑफिस में, पकड़ में भी किया है भाई, वो कह रहे हैं हाथ में दब जाएगा उसका, तो तेरे तो गला ही नहीं लगा कहाँ रखा तुमने, गले पे तो लगा, गले पे लगा थे। रेडी रेडी गाइस, आप लोग कैमरा में देखना मेरे को मत देखना, ऐसे टेबल में आप अंदर, मैं समझ गया कि ये सारे तेरे पे, ठीक है ठीक है, चलो देख ले ऐसे एक के ऊपर ही रखूं या कैसे? ना नहीं नहीं ऐसे साइड में ऐसे रख दो,
सबसे कुछ भी नहीं, ये और ये रोल मंगाता खाने का। हाँ भाई, ये तो कुछ भी खा जाता है। सबसे ज्यादा स्लीपी पांडा नाम एयरपोर्ट है। डेडिकेशन टू गेमिंग भाई, मेरे पे कर दो चुपचाप, शर्म ही नहीं आ रही किसी। सबसे ज्यादा हम्बल कौन है? प्रेगोल्ड। मैं तो किसी को नहीं करता। गेम के अंदर सबसे पहले नॉक कौन होता है? ये डिस्काउंटिंग कर लेना, वो तो नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगली बार बताता हूं। कौन है जो अपनी गलती कभी नहीं मानता? कुछ भी। आज सुबह तो लड़ाई हुई थी भाई, सोच एक सेकंड नहीं लगा, सबने पॉइंट किया। सबसे शरीफ कौन है? शरीफ वो ही है। अरे कुछ भी, तू है भाई। मैं कौन, किस टाइप में शरीफ? ये तो भाई सारी बातें उस पे लाए नहीं करती भाई, ये डाली थी पॉइंट कैसे थी बात ये सीकर हो गया। वन गाइस, ये नया फोन मिला हमें IQ की तरफ से, जिसमें हमें आज गेम खेलना है। देख जल्दी जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 लेट हो रहा है, जल्दी 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 निकाल। फोन कौन से कलर का है? और यहाँ पे अनबॉक्स कर दिया है, ये रहा ब्लैक कलर का फोन, ये रहा चार्जर, चार्ज कर, चार्ज कर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अभी आज का दिन हम लोग एंड कर रहे हैं। सुबह से हम लोग आके थोड़ा देर यू नो चेकिंग वेकिंग करने के बाद थोड़ी देर सो गए थे। पता नहीं यार इस होटल में ना थोड़ी सी बहुत डार्क है, मतलब ये वाइब नहीं आएगा। सब स्लीपी स्लोल वाले मिले थे, सब कह रहे थे नींद आ रही है, ब्लाइंड वाले सब ऐसे ही बता रहे थे कि उनको भी नींद से आ रही है। तो थोड़ा देर रेस्ट किया था हमने, फिर मैं एक फोन लेकर आ गया था सुबह ही, तो उस फोन में हमने गेम डाउनलोड करके सबने देखा कि कैसा चल रहा है। एंड अभी शूट एंड कर दिया है, एंड आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अवर चैनल। हो गया रिकॉर्ड, ठीक है ये वाला पक्का डालना गाइस, यही है एग्जिट। चलो आई गेस ये एनर्जी, ये सारी चीजें लैन में काम आए, एंड अच्छा खेले ये वाला लैन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड गाइस इस चीज को आप उस वे मत लो कि यार देखो कि आप लोग मजे कर रहे हो या हंस रहे हो, भाई रोने से कोई लैन नहीं निकलता, मेहनत करने से निकलता है, देखते कैसा रहता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू फॉर एंड सभी लोग को थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। स्टिल बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए थे ऑलरेडी। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।